नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप एक इंजीनियर था मेरा पंजाब से, वो पंजाबी में है। मैं इंजीनियर की बना के अपने बढ़ा दूर पहले प्रमुख साहब का मौजूद था, उसमें एक ये बात बोली थी कि मेरे पास दो और केंद्रीय मंत्रियों की और बीजेपी के वरिष्ठ जिन्हें मैं बोल सकता हूँ इन्फॉर्मेशन है। उसमें एक सोम प्रकाश जी का नाम दिया गया था, दूसरों का मैंने नाम अभी नहीं बोला था, वो मंत्री जी की बात हम बाद में करें। तोमर साहब के बंगले में किसान आंदोलन के दौरान मैं बहुत आता जाता रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम भी जो आज ही मैंने पंजाब के बड़े जो खेती ज्ञानी है, इकोनॉमिस्ट है, जहाँ पंजाब के किसान का हरियाणा के किसान का बड़ा सोचने वाले लोग हैं, उनको दिया है वो प्रोग्राम। कल मैंने कई रिपोर्टर्स को पंजाब में शेयर भी किया। तो हम पंजाब के सीएम की ये गंदी मंदी वीडियो पे ना कॉन्सेंट्रेट करें, वो 24 में जरूर निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा है किसान को बचाने का है। ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ करके बचाऊ, मैं कैंडल बैठा बैठा भी प्रोग्राम बना के सेहत पर बना के दे सकता। तो किसान आंदोलन के दौरान मेरी मुलाकात वहां पे इनके घर पे बाबा बालकनाथ जी जो होती है, बाबा बालकनाथ जी जी पे आज ये खुलासा देखिए। ये सोचना कि ये वीडियो इलेक्शन के टाइम क्यों आए, उस दिन ये चीज क्यों बोल दी गई। वहां पर मेरी बाबा जी से मुलाकात होती है, दो तीन बार होती है। वो बड़े इम्प्रेस मेरी भाग की खेती पे, क्योंकि वो नाथ है, उनको भाग को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। उनसे जब बात होती है तो वो बात में ये बोलती है कि बाबा बालकनाथ जी बोलते हैं मैं ऐसी भक्ति करता हूँ, जब करवाता हूँ मेडिटेशन, ये मुद्रा की वो पंचर ऊपर धरती से हवा में तैरता है कि आपकी वो जो भाभी होती है, वो चक्कर वक्त होते हैं बॉडी में, बॉडी के साथ चक्कर होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तो यही होता है, सुबह उठ के थोड़ा टाइम सर बना के एक दिन बाहर का भी हमारा चक्कर होता है। और ऐसी मजाक में ऐसे बातें करते थे, मेडिटेशन योगा वगैरह किया। तो उन्होंने कहा कि वो चौपड़ा नहीं मान पाते, मूर्ति नहीं जानी। तो राम को बोला मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, इससे गलती हो जाती। मैं ऊंचे के लिए ऊपर जाना चाहता हूँ कि लोग मेरे इतने मिले फॉलोअर्स हो कि मैं ऊंचों को भी पीछे छोड़ जाऊंगा अगर मैंने ये लोगों को बातें प्रवचन वगैरह देना चाहूंगा। तो उसके लिए मैं बोला कि कैनेडा का जो लॉ है वो बहुत नरम है, रिजर्व ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कि क्यों ना हम वहां पे एक आश्रम बनाए। बर्बाद भी हो गया। उस टाइम ये तय हुआ था कि हम ये आश्रम 2021 से ये जमीन खरीदना, इसके लिए सब कुछ करना शुरू करता, और हमने किया भी। उसमें ये किया कि एक 30 एकड़ की जमीन खरीदी गई, यहाँ पे ट्रेडर्स लेक है, बड़ा अच्छा लेक क्लियर है, उसके अजमेर में जमीन है, उसके पास में है। वो बड़ा एक गोरी कम्युनिटी से आते हैं, पैसा उनसे खरीदा गया, वो लेक के द्वारा मेरे नाम पे इम्पोर्ट खरीदा गया। उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो 10% मुझे डालना था यहाँ से, और 90% बाबा जी के वजह से तकरीबन 52 CR 52 करोड़ रुपया वहां से। ये क्योंकि इनके एक गुजरात में भी शिष्य हैं, उन्होंने उनका मीत भाई पटेल करके आंगड़िया चलाते हैं, सूरत के हैं, उनको मुझे से इंट्रोड्यूस करवाया कि इनके वैंकूवर और टोरंटो में और इन्वेस्टमेंट लोग हैं, वो आपको पैसा जो है कैश पहुंचा दे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कनाडा में कैश घर खरीदना, जमीन खरीदना, कैश कुछ भी यूज करना कोई इलीगल नहीं, कोई पूछता नहीं कहां से आया। स्पेशली जब अगर आपकी एग्रीकल्चर की
तौर पर अपने अकाउंट में, तो अकाउंट के वक्त के वक्त हमें बताना होता है कि इतना कैश आएगा। तो जो हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी आएगी उसकी भी रजिस्ट्रेशन है, मेरे मान लो कि मैं तो आपने देखा सर, पहले तो परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं? ये जगमनदीप सिंह है, कनाडा के निवासी हैं। आज से 10 दिन 12 दिन पहले इन्होंने कुछ खुलासा किया था तोमर जी के विषय में, जो कृषि मंत्री हैं। 10,000 करोड़ का खुलासा था, घपला था। मोदी जी व्यस्त हैं बेचारे, प्रचार में तो नहीं ध्यान गया होगा। आज उन्होंने अपनी YouTube पे भी डाला और पंजाब के किसी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। बाबा बालकनाथ सब सम्मान करते हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, हम सब साधु संतों का मन से आदर करते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तिजारा की तिजोरी है। ये 52 करोड़ रुपए कहां से आया? आश्रम खोलना है इनको कनाडा में, खोलिए साहब, हक है आपका, खोलिए। गांजा भांग आपकी परंपरा है, उसमें हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे, परंपराओं का हम सम्मान करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हवाला से 52 करोड़ रुपए गया, यहां दिक्कत शुरू होती। ये 52 करोड़ आया कहां से पहले ये बताइए? कैश 2016 8 नवंबर 2000 के नोट आए और 1000 के बंद हुए, ताली बजाई, प्रधानमंत्री ने बोला काला धन खत्म। ये तो साहब 52 करोड़ रुपए गुजरात के रमणीक भाई पटेल के माध्यम से बाबा बालकनाथ, जो कि राजस्थान के सांसद हैं अलवर से और तिजारा से विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये बाबा बालकनाथ जी 52 करोड़ रुपए काला धन भेज रहे हैं गुजरात के आंगड़िया रमणीक भाई पटेल के माध्यम से कनाडा में। कल्टस लेक के बगल में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है भांग की खेती के लिए, वहां आश्रम भी बनाएंगे, ओशो रजनीश से ऊपर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बनिए ऊपर बनिए, ये तो भारत है, सबका सम्मान करता है, भगवा पहनोगे, सफेद कपड़े पहनोगे, हम सम्मान करेंगे। लेकिन आप ये कर क्या रहे हो? ये 52 करोड़ कहां से आया? ये हवाला का रैकेट कहां से चल रहा है? साधु संतों का एक सम्मान है, उसके साथ खिलवाड़ करते हो आप, मेरी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हो आप, मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हो आप, ये मैं कैसे होने दूं? अलवर के लोगों ने आपको चुना, तिजारा के लोगों से आप वोट मांग रहे हो, उन सबके साथ जो विश्वासघात आप कर रहे हो, ये पैसा किसका है ये बताइए? मेरे आपके पास अगर 1 लाख रुपया जेब में मिल जाए तो अभी पुलिस थाने में ले जाएगी। 52 करोड़, क्योंकि आप बीजेपी के सांसद हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। कनाडा में आप जमीन खरीदना चाहते हैं, ब्लैक के पैसे से खरीदना चाहते हैं। माइक की जरूरत पड़ रही है आपको? क्यों आप चालू करना चाहते हैं? तो आप हवाला भी करोगे, काला धन भी इस्तेमाल करोगे, कानून से बचे भी रहोगे। भाई कब तक बचे रहोगे? कभी तो सरकार केंद्र में भी बदलेगी, कब तक खैर मनाओगे? प्रधानमंत्री आते हैं और बड़ी निर्लज्जता के साथ यहां हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं। अरे आपके आंगन में क्या हो रहा है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहां तो भंडारा चल रहा है साहब, खा भी रहे हैं लोग, खिला भी रहे हैं लोग, कनाडा भी भेज रहे हैं लोग। इस भंडारे में प्रधानमंत्री जी आपका भी कुछ है क्या? गुजरात के रमणीक भाई पटेल से क्या रिश्ते हैं आपके? हम ये जानना चाहते हैं। राजस्थान आते हो, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लहजे में बातें करते हो, खाली कुर्सियों को संबोधन देते हो, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूं मेरा राज्य बड़ा खूबसूरत है, लोग आना चाहते हैं, बार बार आते रहो, मेहमान नवाजी पूरी मिलेगी, वोट नहीं मिलेंगे। क्योंकि आप जवाब दीजिए, तोमर जी पे भी जवाब दीजिए, बाबा बालकनाथ जी पे भी जवाब दीजिए, और सिरसा जी एक और है हमारी दिल्ली में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खाते के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं
पैसे इधर से उधर करने के लिए, गांजे की खेती करवाने के लिए। क्या है ये हो क्या रहा है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उन्हें भी सब माफ है। राजस्थान में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब यहीं है, छत्तीसगढ़ में सब है, कर्नाटक में सब आ जाएंगे, हिमाचल में भी अब जाएंगे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ही जाएंगे। बस बाबा बालकनाथ जी के 52 करोड़ कहां से आए? ये हवाला क्यों हो रहा था? ये सिरसा जी गुरुद्वारा का अकाउंट यूज कर रहे थे, काले धन को इधर से उधर कर रहे थे, ये क्या हो रहा था? ये तोमर जी का बेटा गांजे की खेती के लिए 10,000 करोड़ कहां से लाया? कैसे वहां कैनेडा में भेजे उसने? कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स? प्रधानमंत्री जी आप फिर आओगे मुझे लगता है कल परसों, आप सिर्फ बिना प्रचार के तो आप बैठते नहीं हो, रहा नहीं जाता आपसे, सरकार चलानी आपको आती नहीं है, सिर्फ प्रचार करना आता है, तो आप तो जवाब दीजिए। ये तो राजस्थान से संबंधित है और ये तो मेरे धर्म से भी संबंधित है, मेरे धर्म को बदनाम कर रहे हो आप, ये क्यों बर्दाश्त करूंगा मैं? आज आए थे प्रधानमंत्री जी वंशवाद की आज भी बात की, अरे आज तो मत करते, कल ही तो आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे थे, क्या हुआ वहां? जय शाह साहब भी थे, हम तो नहीं जानते थे कौन है जय शाह साहब, आज से 10 साल पहले तो आप भी नहीं जानते थे कौन है जय शाह साहब, जानते थे क्या? जय अमित शाह ये उनका नाम है, क्यों है बीसीसीआई में? क्योंकि अमित शाह साहब के बेटे हैं। फिर प्रधानमंत्री जी 24 घंटे गुजरते नहीं है आकर वंशवाद पे भाषण देते हैं, यहां कुछ तो सोचो, क्या मूर्ख है जनता? फिर उन्हें आपत्ति है कि साहब गहलोत साहब ने प्रचार क्यों कर दिया अखबारों में? क्यों? प्रचार का कॉपीराइट इसे आप ही के पास है, कोई और नहीं कर सकता। पूरे 10 साल आपने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से सरकार चलाई, अपनी काम करके नहीं चलाई। कोई और काम करके विज्ञापन देता है, कांग्रेस पार्टी अपनी 7 गारंटियां अगर लोगों के साथ साझा करनी चाहती है तो क्या अखबारों और चैनल्स को विज्ञापन नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों आपका हक नहीं है हमसे विज्ञापन लेने का? बताइए है या नहीं है? अगर हम विज्ञापन दे दें तो प्रधानमंत्री जी को आपत्ति, आप क्यों दे रहे हो साहब? आपने कोविड के दौरान यहीं राजस्थान मेरे राज्य में अखबारों पे रेड डाली थी, मैं भूलूंगा थोड़े? क्यों? क्योंकि वो सच बता रहे। हमारे विज्ञापन में हमारी 7 गारंटियां हैं। आज प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद कि आपने खुद हमारी 7 गारंटियों का बड़ा भरपूर प्रचार किया भाषण में बात करके। हमारे विज्ञापनों को कितने लोगों ने देखा हमें नहीं मालूम, आपके भाषण की वजह से आज सब वापस से अखबार दिन में दूसरी बार पढ़ रहे हैं, लोग की देखे भाई क्या आया विज्ञापन। आजकल प्रधानमंत्री जी ने सोचना बंद कर दिया, हार से या तो डर गए, क्रिकेट की हार से डरे, कर्नाटक की हार से डरे, हिमाचल की हार से डरे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की आने वाली हार से डर रहे हमें नहीं मालूम, लेकिन आजकल बिना सोचे समझे बोलते हैं, बिल्कुल सोच के नहीं बोलते। अरे साहब गहलोत सरकार ने प्रचार कर दिया, क्यों नहीं करें साहब? वर्ल्ड चैंपियन आप हो प्रचार की, हम मानते हैं, वो श्रेय आपसे कोई नहीं ले सकता, वर्ल्ड चैंपियन आप ही रहोगे प्रचार के, लेकिन थोड़ा बहुत प्रचार विज्ञापन तो हमें भी कर लेने दीजिए। और नियमानुसार होते हैं प्रचार तो, हम भी नियमानुसार करते हैं, उम्मीद है आप भी नियमानुसार करते होंगे। आप तो डरा धमका के मीडिया से खबरें गायब करते हो, आज यहां बड़े परेशान हो रहे थे कि हाँ हमने रेड मारी, इतनी मेहनत की, सारी एजेंसियों को हमने लाकर राजस्थान में खड़ा कर दिया, खबर नहीं चली। अरे खबर तब चलेगी ना जब खबर में कुछ सच होगा, ये राजस्थान का मीडिया है, ये झूठ नहीं परोसता। आप कितना ही डरा लीजिए मेरे राजस्थान के इस मीडिया को, ये डर के मारे आपका झूठ नहीं चलाएंगे। इसलिए अब जब प्रधानमंत्री जी आए, ये सब बातों में हमें विश्वास नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे है स्टेडियम इसलिए हार गए, ये सब मजाक है, इसमें हम इसको गंभीरता से नहीं लेते। कोई पनौती बोलता है, कोई अपशकुन बोलता है, ये भी गलत है, लेकिन वंशवाद पे भाषण मत दीजिए, वो शोभा नहीं देता। और अब जब आप कल या परसों जब भी राजस्थान पधारें तो बाबा बालकनाथ जी से खुद ही पूछ लीजिएगा फोन करके, रैली के दौरान किसी से बोलिएगा कि फोन कनेक्ट करके दे दें,
स्पीकर फोन पे माइक के सामने पूरा राजस्थान सुनना चाहता है कि 52 करोड़ किसके हैं, क्या तिजारा की तिजोरी के हैं, ये पैसा कहां से आया, ये आंगड़िया के माध्यम से कनाडा क्यों भेजा गया, ये इतने नियम क्यों तोड़े गए, ये सारी बात राजस्थान जानना चाहता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी अगली बार यहां आएंगे तो ये जानकारी आप सबसे हम सबसे राजस्थान से साझा करेंगे। आपके सवाल सर, आज से 2 दिन पहले भी आप जयपुर आके गए थे। मैं तो यहीं रह रहा हूं। हाँ सर, हाँ आके गया था। सवाल उठ रहा है 2 दिन पहले से क्योंकि कौन सा सवाल सर, ये सवाल उठा रहे हैं आप। आज ही वीडियो आया ना, आज वीडियो, आज सुबह दोपहर को ही वीडियो मेरे पास आया, किसी ने भेजा। एक सेकंड जवाब दे दो। तो जब वीडियो आया, इस वीडियो को पढ़ा, देखा, समझा, सोचा आपसे साझा हो जाऊं। मेरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल भी नहीं थी। मैंने स्वर्णिम जी और अतुल जी को रिक्वेस्ट किया कि साहब मीडिया से रिक्वेस्ट करिए, 4 बजे मैं मिलना चाहता हूं। तो अब इतना बड़ा ज्योतिषी और पंडित और ज्ञानी तो मैं हूं नहीं कि आने से पहले 2 दिन मालूम पड़ जाए, वो तो मोदी जी कर सकते हैं। करे जांच प्रधानमंत्री, कर ले जांच, उनके पास तो सारी एजेंसी है। सुनिए, राहुल जी ने एक भाषण दिया, तुरंत डेफोमेशन का नोटिस चला गया। मैंने कुछ कहा, पुलिस हवाई जहाज में घुसकर मुझे लेकर चली गई। हम सबके साथ तो किया है ना। अगर ये जगमनदीप सिंह झूठ बोलता है, करिए ना केस। हो गए 10-15 दिन हो गए, क्यों नहीं गया नोटिस उनको, क्या कारण है? न तोमर जी ने भेजा, न सिरसा जी ने भेजा, न मोदी जी ने भेजा, न छोटे शाह ने, शहनशाह ने भेजा, न बादशाह ने भेजा, कोई नोटिस नहीं भेज रहा, क्यों? हमारे पर तो तुरंत एक्शन लिया था, मतलब बताइए क्या कारण है, क्यों चुप है? क्या डर है कि और खुलासे आने वाले हैं? सुना एक दो मंत्रियों के और भी कई चर्चाएं चल रही हैं, आप ही लोग बताते हैं हमें, हमें तो मीडिया से मालूम पड़ता है। आज भी किसी मीडिया के ही साथी ने बोला कि साहब एक यूट्यूब पे आया, जरा देखिए। सर इन्होंने नंबर भी जारी किया है कि से बात कर सकते, तो सर आपने बात की है इनसे किसी माध्यम से? हम बात तो मैंने की है उनसे, जब पहला वीडियो आया तो मैंने जानकारी के लिए, क्योंकि आप लोगों से मुखातिब होने से पहले क्यों नहीं बात करेंगे, पहले समझ तो ले। हम तो झूठ परोसने में और फेक इंडस्ट्री चलाते नहीं जैसे भाजपा वाले चलाते, तो हमने कहा पूछें क्या है, समझें। जितना समझ में आया, जो उन्होंने वीडियो में बताया उससे ज्यादा तो कुछ हमें एक्स्ट्रा तो नहीं बोला, लेकिन जो बोला वो सामने है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र किया था पिछले वीडियो में, तो वो डॉक्यूमेंट आपको भेजे हैं? नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो, मेरे पास होते तो मैं तुरंत आपके आपसे साझा करता। हमारा विपक्ष का तो मीडिया से रिश्ता होता है। सर एक कल ये राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया था, भारत माता कौन है, जाति का जनगणना हो तो पता लगे, दलित वर्ग का पता लगे, ओबीसी का पता लगे, आज बीजेपी उसको लेकर ऑब्जेक्शन कर रही है, उन्हें तो दिक्कत रहेगी। अब जाति याद आ गई, हम बोले तो जाति की बात कर रहे हैं, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री, तब कहां से जाति कैसे याद आ गई आपको? अपने ऊपर है तो मेरी जाति ये, हम बोले साहब सबकी जातियों के पता चल जाए, सबका राजनीतिक स्तर पता लग जाए, सामाजिक स्तर पता लग जाए, आर्थिक स्तर पता लग जाए, इसलिए जाति जनगणना करो। अरे राहुल गांधी जातिवाद फैलाते, कमाल की बात है। और भारत माता का मतलब क्या है? पेड़ पौधे पहाड़ नदियां, ये नेहरू जी ने बड़ा अच्छा लिखा था। क्या है भारत माता? क्या हिमालय है या सागर है, नदियां हैं? भारत माता हम और आप हैं। तो मालूम तो पड़े भारत माता में कौन किस सामाजिक स्तर का है, किस आर्थिक स्तर का है, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये हक है हमारा और ये कर्तव्य है हमारा। बस कोई सवाल बालकनाथ जी से पूछेंगे, किससे पूछेंगे अब अगला सवाल? हमने तो खुलासा कर दिया। अब 52 करोड़ कहां से आए, आंगड़िया के माध्यम से भेजे गए, ये सब आपके सामने है। या तो जगमनदीप सिंह पर एक्शन लीजिए, हो सकता है वो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, बताइए झूठ बोल रहा है। 20 दिन से तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, 3 नवंबर को आया था, 3 नवंबर को शायद पहला वीडियो आया, 3 या 7 जो भी। बहरहाल आज आपके सामने 21 तो हो ही गई है, 20 हो गई है। भाजपा के कई और भी लोग नेता, उनके भी नाम इसमें शामिल है क्या? अब वो चुप इतने हैं तो हमें तो लगता है कि उनकी चुप्पी में एक डर छिपा है कि मैं बोलूं तो कहीं मेरा ही नहीं आ जाए। हो सकता है और भी हो, हमें नहीं मालूम। एजेंसियां तो सब इनके पास है, इनको बोलिए ना अपनी एजेंसियों को भेजें। और किसी तरह के पैसे का इन्वॉल्वमेंट है
ये तो जो जानकारी वीडियो में है वही है।